हाय गाइस, आई एम बैक। अभी थोड़ा थकान भी लग रही है, पर देखिए मैं सोच रही थी आज मतलब फिर करना गणेश चतुर्थी क्या है, मटन मशरूम बना देती हूँ। मेरे पति जी को पसंद है, बच्चों को तो नहीं पसंद है। बच्चों को क्या मैगी वैगी ज़्यादा पसंद आती है, ज़बरदस्ती खिलाना पड़ता है उनको। तो उसी दिवस मैं तैयारी कर रही थी, मेरे दाल चावल हो गए थे, मेरे दोनों बाबू जग गए थे, अपना अपना नाश्ता फिनिश कर लिए थे। बस यही चल रहा है, फोन कर रहा है कि जाके सो जाऊँ, बहुत थकान लग रही है। परसों पता नहीं क्यों मेरा बेटा कल रात को शायद परसों डर गया था, बहुत छोटा वाला, और बोला काऊ को भगा दो मम्मी, काऊ बहुत मारे लिए, वो डंडा मारे लिए ऐसा। तो वो पूरी रात रोया, तो मैं परसों भी नहीं सो पाई। ये बच्चे मेरे दोनों बेटे कल 1:30 बजे रात तक सो रहे थे, तो मैं कल भी नहीं सो पाई। मुझे इतना ज़्यादा हेडेक हो रहा है कि मैं बता नहीं सकती हूँ। बट क्या करना है। तो अभी मैं बना रही थी मटर मशरूम बनाने के लिए। कम अनफॉलो मई बनी। हम पहले मटर हमको लेना है, मुझे क्या थोड़ा सा ना, ये देखिए फ्रीजर स्टोरेज है, बच्चों के चक्कर में रखना पड़ता है मुझे। और फ्रीज वाले जो मटर होते हैं वो शायद ईजी होते हैं, मतलब उसको जल्दी से आप फ्राई कर लो और जल्दी से हटा लो, तो इसलिए मैं मोस्टली यही यूज़ करती हूँ। ये हमेशा पता नहीं जो रेसिपीज ही प्रेफर करता है। अरे और आप लोगों की गणेश चतुर्थी कैसी रही मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरे गणपति बाबा आपको कैसे लगे? अभी तो मैंने सुबह वाली पूजा करी है, अभी मेरे हस्बैंड आएंगे शाम को, फिर हम लोग बड़ी वाली डिटेल पूजा करेंगे, और फिर उसके बाद मैं वो पूजा आपके साथ शेयर करूँगी। ये मटर थोड़े से ज़्यादा हो गए इसलिए मैं इसको वापस रख रही थी। तो अभी मैं आपको मिलवाती हूँ अपने बड़े बेटे से। हेलो बोलो। हेलो गाइस। और ये मेरा किचन कॉर्नर है जिसमें मैं छोटी छोटी चीज़ें सब रखती हूँ। उफ, थोड़ा फैला है बट वोंट माइंड। ये मेरे स्पाइसेस बॉक्स ऐसे मैंने बनाए हैं। और मैं आपको मिलवाती हूँ अपने लिटिल वन से। ये मेरा एक रूम है, ये देखिए बच्चों का बास्केट, और ये मेरा छोटा बेबी। हेलो बोलो। हेलो।